चलो स्टार्ट करते हैं बर्ड एनिमेशन। बर्ड एनिमेशन के सबसे पहले पार्ट क्या है कि आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एनिमेशन सर्वाइवल किट के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पर सब कुछ आपको देने का कि आपको काम क्या करना है, किस टाइप से काम करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि किसी भी चीज़ को अगर एनिमेट करना है, तो एनिमेट करने के लिए मुझे पहला काम क्या करना होगा, तो मैं उस पहला फ्रेम और यहाँ देखो मेरे पे गैप में दिख रहा है, फर्स्ट पे ऐसा है, 9 पे ऐसा है, 12 पे इतना है, ठीक है, 14 पे इतना है, 16 पे इतना है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे देखो तो आपका गैपिंग कितना जा रहा है, आपका अगर यहाँ पे गैपिंग देखो तो गैपिंग में आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो तो पहले और 9 में कितना डिफरेंस आ रहा है आपके यहाँ पर, 9 फ्रेम में, 9 के बाद आप यहाँ पे डिफरेंस कितना है, जस्ट अप हुआ है यहाँ पर 9 और 3 फ्रेम का यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। 12 के बाद अगर मैं यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, 12 के बाद फिर 2 फ्रेम का डिफरेंस है, फिर 2 फ्रेम का डिफरेंस है, फिर हमारे पास यहाँ पे 1 का यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे जो इसमें एक्सप्लेन करते हैं। अभी यहाँ पर हमने देखा यहाँ से यहाँ तक हमें कुछ आइडिया नहीं मिला, ये देख ले भाई ये की नंबर है, लाइक नंबर को फॉलो करो तो आपको काफ़ी चीज़ें निकल गएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि पहले फ्रेम पे कैसे कर रहे हो, फिर आपका दूसरे पे कितना, तीसरे पे कितना, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम कितना हो गया 18, ठीक है। अभी 18 फ्रेम है तो मुझे यहाँ पे पहला काम क्या होगा कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, सबसे पहला बार मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 18 कर दूंगा यहाँ पे, ठीक। मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ जाएंगे, मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, ये बस 0 से 18 यहाँ पे आएगा, ओके। तो ये पार्ट हमें पता चल गया कि हमारे अब पहला जो पोज है, पहला पोज और आपका लास्ट पोज बोथ आर सेम, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये हमारे की पोजेस हैं, इनको अगर देखो तो ये हमारे की पोजेस हैं, की पोजेस को मैं कैसे डील करने वाला हूँ, ठीक है। की पोजेस में जैसे यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक भी देखो 12 का, 14 का, फिर 16 का, तो ये पार्ट हम लोग थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें, 1 से देखो ये ऊपर विंग साइज के बाद ये यहाँ पे हम लोग 4 का गैप कर लें, पहले पे यहाँ पे लिया, फिर 4 के गैप में यहाँ पे गया, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों ने फिर 8 के गैप में यहाँ पे किया, तो ये आपको तो आइडिया मिल जाएगा कि गैपिंग वाइज हमें चीज़ें मिल जाएंगी कि कैसे कैसे मैं पोजेस बना सकता हूँ। फिर इसके अंदर एक चीज़ और आपको देखना है, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिख रहे हैं। पहला पार्ट क्या है कि अगर आप पहले फ्रेम पर हो तो नीचे हो, पांचवें फ्रेम पर हो तो मिडिल में हो, ठीक है। इतनी डिटेलिंग दे रखी ताकि आप समझो कि आपका जो वर्ड एनिमेशन होगा वो एक लेवल पे जाके मैनेज करना पड़ेगा। तो पहले पे इतना 5 के ऊपर है, ठीक है। अप डाउन देखोगे बीच में लाइन, इसलिए बताया हुआ है लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये इससे नीचे, पहला नीचे में बस, उसके बाद ये ऊपर गया है, ठीक है। ऊपर 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 देखो, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम, फिर से कम, फिर 16 पे नीचे, फिर वापस 1 पे यहाँ पर आ गया, ठीक है। ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले चीज़ आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हो। तो मैं पहला काम यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच टू हेयर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या फर्स्ट फ्रेम पे मैं क्या काम करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे चीज़ को लिया, ठीक है। अभी बस ग्रिड क्या, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रिड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो ग्रिड लो, या जैसे मैं पहला काम यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, तो मैं बस यहाँ पे एक पार्ट क्या होगा, या तो मैं रेफरेंसेज को ऐसे सेट करूँगा, या चीज़ को मैं ऐसे मैं मैनेज करने वाला हूँ। अभी इस डिपेंड ऑन यू, मेरे पास ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर को सेलेक्ट करो, अप एंड डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको ग्रिड से काम करना है तो ग्रिड पे काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है ग्रिड पे नहीं काम करना तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ देखो लाइन दिख रही है आपको सामने, किसी एक लाइन को यहाँ पे मैनेज कर लो। सपोज मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं यहाँ पे पहले क्या काम करने वाला हूँ, एक लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सीवी का टूल यहाँ पे ले सकता हूँ, सीवी का टूल पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल द पार्ट सिर्फ प्रेस करके मैंने क्लाइंट ड्रॉ कर लिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या लाइन के नीचे आ गया, ठीक है। ऐसे भी मुझे कुछ काम करना है तो काम करूँ, राइट क्लिक एन ऑब्जेक्ट मोड, जिससे कोई अभी लेना देना नहीं है। पहला पोज मेरे पास यहाँ पे है, पहले पोज में अगर मैं काम करूँ तो पहले पोज मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको पकड़ो, ये देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास बोन है क्या, ये समझना क्या, देखो हमें यहाँ पे क्या कंट्रोलर में क्या दिया हुआ है ये समझो। इसको पकड़ो, इसको पकड़ने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दिस वन रोटेशन पे आओ, ये ऊपर जाएगा क्या यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके डील करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने रोटेशन पे दिया, रोटेशन ऐसे दे रहा हूँ, रोटेशन पे कितना है ये अगर देखा जाए तो मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बेसिक से हम लोग यहाँ पे एनिमेशन देखें, हमें ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, लाइक इतना पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, -45 करके देखते हैं, -45 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ -45 किया तो यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 45 करके देखें यहाँ पे, देखिए -45 है यहाँ पे,
ठीक। अभी यहाँ पे हम लोग देखते, मेरे पास ये पूरा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे हमने चीज़ों को दिखाया, ये मेरे पास पहला की पोज यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, पहले की पोज का ये देखें, उसके बाद हमारे यहाँ पे पाँव दिख रहा है। आप धीमे धीमे देखो, पाँव पे आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस पड़ेगा, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे पाँव नीचे है, यहाँ पाँव ऊपर गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका धीरे नीचे करके नॉर्मल ध्यान देंगे, उसके बाद हम उसे ऊपर करके फिर वापस ले लिखेंगे। तो पहला फ्रेम में बस ऐसा कुछ है, पीडीएफ के अंदर हम लोग देखा है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी पाँव में बस ऐसा कुछ देखेगा, छोटा सा हम लोग यहाँ पे एनिमेशन देखेंगे यहाँ पे कि किस टाइप से पार्ट है। तो पाँव में बस नीचे ही रहने वाला है, ये चीज हमने यहाँ पर मैनेज कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया इस वाले पार्ट को, ठीक है, कंट्रोलर्स को समझना। ये मेरे पास कंट्रोलर कौन सा है, देखो ये कंट्रोलर मैंने यहाँ पे किया, देखो ये अपने आप रे कितना बढ़िया। आप यहाँ पे दिखाओ तो ऐसे भी करके आप दिखा सकते हो क्या। तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे आपके यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ पे पाँव के अंदर कोई कंट्रोलर मुझे दिख रहा है क्या, जैसे देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये आपके छोटे छोटे पार्ट हैं। मतलब तो मुझे यहाँ पे पाँव का कंट्रोल बहुत ही बढ़िया नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं इसको दो समय मैनेज करता हूँ। ठीक है, ये पार्ट में ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब ये पार्ट तो मुझे दिख रहा है, लेकिन बाकी पार्ट में मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लाइक मैं अगर कहूँ, मैं बस अप एंड डाउन करके देखूँ, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, दिख रहा है, ये मैंने ऐसे कुछ किया, मैं इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैं इसको एक बार बेसिक यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या जीरो एंड जीरो यहाँ पे कर दिया मैंने, यहाँ पे तो जीरो जीरो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो पहले मैं की पोजिस लेता हूँ, इसको बाद में इसको मैं एक बार टचअप करता हूँ, ये बस पाँव वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट दिस वन, सबको सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं बस क्या बोन्स यहाँ पे दिख रहे हैं क्या, अभी मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ सो मैंने कर दिया नन, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, नर्व्स कर्व। ठीक है, नर्व्स कर्व देखिए, दूसरा पार्ट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पॉलीगन्स। अभी देखो बोन्स सारे चले गए, तो हमें ऐसे डील करना है। मेरे पास कहीं और जगह गलत जगह मेरे पास यहाँ पे चीज़ इम्पैक्ट ना दे यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखिए, मेरे पास अगर मैं इमेज को देख रहा हूँ यहाँ पे, इमेज को देखने के बाद मैंने यहाँ पे दिखाया ये सिंपल सा पार्ट, आपका ये स्टेट है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको तो और से यहाँ पर टर्न देना है। ठीक है, ये ऐसा कुछ टर्न दिया। ठीक है, ये तो मुझे बैंड से दिख रहा है, इसलिए मैंने तो और से यहाँ पर किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पर किया। अभी जितना मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, एक राउंड ऑफ मैंने कर दिया 10। ठीक है, ये किया मैंने यहाँ पे, तो और बेटर लगेगा आपके पास यहाँ पे। इसको भी आपने यहाँ पे क्या कर दिया 10 करके देखो आप यहाँ पे, तो पार्ट आपको दिखेगा। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, सेलेक्ट कर दिया मैंने सबको। ठीक है, अभी सबको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे की लगा देता हूँ एस। ठीक है, ये की लग के मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम सेम होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट फ्रेम आपका सेम होना चाहिए। ये हमारे यहाँ पे दिखाया कि मेरे लास्ट फ्रेम यहाँ पे 18 पे सेम है। अभी चलो जल्दी से ब्लॉकिंग कर लेते हैं। ब्लॉकिंग में हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, ब्लॉकिंग में देखा मैंने यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे मैंने कर्व लिया, मेरे पास एक नर्व्स कर्व मैंने यहाँ पे रखा था क्या। ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया, मैं बस सो पे गए, नर्व्स सरफेस तो नहीं, नर्व्स कर्व होना चाहिए मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, सो एंड नर्व्स कर्व। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, मुझे लगा कि भाई अगर मेरे पास वो कर्व दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट पे गए, एक मैं सीवी कर्व टूल से यहाँ पे लाइन मैं जोड़ लूँगा क्या, क्योंकि यहाँ पर ये है यहाँ पे, लेकिन वो दिख नहीं रहा। नर्व्स कर्व मेरे पास यहाँ पे क्या है, सो में देखो यहाँ पे नर्व्स सीवीज दिखेंगे, तो ये दिखेगा मेरे पास यहाँ पे। ओके, और देखिए सो में बस यहाँ पे नर्व्स हल यहाँ पे लिख दिया, तो नर्व्स हल में आपके यहाँ पे विजुअल होगा। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये पार्ट मैंने लिया यहाँ पे। अभी मैं पे अगर मैं ब्लॉकिंग भी देखूँ, मैं यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे मैं 9 फ्रेम पे मेरे पास ऐसा है, तो मैं सीधे 9 फ्रेम पे स्विच करता हूँ। ठीक है, 9 फ्रेम पे गया, 9 फ्रेम पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, पहला काम मुझे ये वाले पार्ट को ऊपर लेके चलना है। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ। ठीक है, पहले तो मैं विंग्स को नीचे कर लेता हूँ, तो विंग्स पॉलीगन में जाके इसको मैंने ऑफ कर दिया, ये उसको मैंने यहाँ पे सेट करता हूँ, रोटेशन देता हूँ यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट मैंने रोटेशन जाएगा नहीं जाएगा यहाँ पे, ये क्रॉस चेक करो आप यहाँ पे। तो अभी ये लॉक दिख रहा है क्या, यहाँ पे लॉक हुआ क्यों, ये क्रॉस चेक करें यहाँ पे। दिस वन लेयर पे गए, लॉक कर दिया मैंने यहाँ पे।
ठीक है, मैं उसी पार्ट दिख रहे हैं मेरे पास, हमने कीज दिया था यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, 9 पे गया यहाँ पे, ठीक है, और मैं रोटेशन हूँ, रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये ध्यान देना है क्या, कई बार ऐसा होता है कि आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, ये अपना सेट कर दिया, देखो रोटेशन जेड, अच्छा जेड पे आपका यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, जेड का आपका इधर का देखो, इधर का एंगल आपके यहाँ पे लॉक किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे जो किया कि कौन से पे रोटेशन दिया हमने यहाँ पे, इसको पकड़ा हमने, तो हमने यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे क्या रखा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 9 पे गया और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने नीचे कर दिया यहाँ पे, ठीक है, नीचे किया, फ्रंट से आके चेक करना पे, ये आपको नीचे आएगा, ठीक है, ये आपका पास नीचे आ रहा है, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, सेम चीज़ यहाँ पे नंबर कितना दे रहा हूँ, नंबर मेरे पास है तो राउंड ऑफ में लेता हूँ यहाँ पे, माइनस 0.3 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस वन माइनस 0.3, ठीक, अभी ये पार्ट मुझे दिखेगा, तो ये पार्ट मेरे को आपसे दिख रहा है यहाँ पे, देन अभी मेरे पास यहाँ पे क्या है कि मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने का टाइम आ गया क्या, ठीक है, अभी या तो मैं अपने इसको मैं मैनेज करूँ ऊपर की तरफ, देखें यहाँ पे, या मैं इसको मैं मैनेज करूँ, देखो ये कैसे जा रहा है मैं मूव में, ये ऐसे दिख रहा है, थोड़ा बहुत मैं करूँ तो बेटर लगेगा क्या, तो यहाँ देखो यहाँ पे ये चीज़ आपका दिखेगा, देखें ये आपका फीलिंग आ जाएगा आपके साथ में, इतने में आपकी फीलिंग आ जाएगी कि आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने एक की पोजिशन डील किया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद मेरे पास अभी कर्व दिखना स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पार्ट था मेरे पास यहाँ पे, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे और इसको सोनो को सेट कर दिया था यहाँ पे, देखो मूव में नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, मूव लॉक दिख रहे हैं यहाँ पे, मूव आपका लॉक है यहाँ पे, रोटेशन है आपका यहाँ पे, रोटेशन रोटेशन में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे और कोई कर्व मुझे विजुअल नहीं हो रहा है, नहीं काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरे पास इसका कंट्रोल है, मुझे नहीं मिल रहा कि मैं यहाँ पे देखो ये दिख रहा है एक पार्ट, ये दिख रहा है एक पार्ट, मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो यह आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे कंट्रोलर, ये पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने नीचे कर दिया, ठीक है, नीचे करके मैं थोड़ा सा आगे भी कर सकता हूँ यहाँ पे, अभी ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे मैंने दोनों को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा मैं नीचे ये पार्ट ऐसे कर रखा था, दोनों को पकड़ रखा है यहाँ पे, सेम चीज़ यहाँ पे मैं फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस 1.2 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कितना 1.5 कर दिया मैंने राउंड ऑफ, ताकि मुझे याद है, ठीक है, सेम चीज़ मुझे एंड फ्रेम पे भी देना है, ठीक है, याद आएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी कर लो आप यहाँ पे, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पे ये फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम, और आपके पास यहाँ पे अभी आप चाहो इसको कैसे रोटेशन देना है, कैसे मैनेज करना है, मैं यहाँ पे जो चीज़ को थोड़ा देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे चीज़ को थोड़ा फुलफिल करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या 9 फ्रेम पे गया, 9 फ्रेम देख रहे हैं यहाँ पे, 9 फ्रेम में आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आपका रोटेशन पे काम करेंगे यहाँ पे, ये मैंने दिखाया आप ऐसा कुछ, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको तो ऐसा चाहिए, देखना अभी इसमें बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हो क्या, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, अभी 2 ब्लॉकिंग आपके यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये पार्ट आपके यहाँ पे देखा, ठीक है, 9 पे हमने किया, 9 के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 12 पे आता हूँ, 12 पे गए, अभी 12 पे देखो ये चीज़ हम लोग ने यहाँ पे किया, एक हमने जो ग्रिड लाइन दे रही थी, हमने लाइन लिया यहाँ पे लाइन को, मैं इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, मैं सिर्फ ओवरऑल कंट्रोलर है क्या, ओवरऑल कंट्रोलर से मैं इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज किया भाई, मैं बस यहाँ पे ये देखो ऊपर आ गया, ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या 12 पे गए, 12 पे हल्का सा देखो पहले इसको ऊपर लेके गए, थोड़ा सा ऊपर करते हैं यहाँ पे, ये समझना क्या, 4 प्रेस करके देखो आपको इस लाइन के ऊपर दिखेगा, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या 12 पे गया, हल्का सा मैंने इसे नीचे लिटिल बिट नीचे किया, ठीक है, तो ग्राफ को आपको क्लीन करने में थोड़ा सा ईजी रहेगा यहाँ पे, ये अप एंड डाउन आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 12 पे, 12 पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो यहाँ पे मैं रोटेशन पे गया, रोटेशन मेरे पास कैसे देखना है यहाँ पे, मेरे पास यहाँ का जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ठीक है, राउंड ऑफ 30 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं 30 यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे इस पे भी क्या करना है, 30 ही करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने 30 कर लिया,
दूसरी चीज़ देखो, आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे देखो बीच में आपका कोई भी गैप नहीं है, तो 9 पे मैं अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ तो 9 पे मेरे पास यहाँ पे क्या रहता है, 9 पे मैं वहीं पे 10 कर देता हूँ जो मेरे पास पहले वाला था। ये मेक श्योर ध्यान रखना, अगर आपने पहले की नहीं देखा वो ख़राब हो जाएगा आपके यहाँ पर। और ये बीच में कीज होना ज़रूरी है, देखना पे ठीक है। यहाँ पर हमने किया ऐसा कुछ पार्ट, मेरे को देखना है पे ठीक है, ये पार्ट मुझे ऐसे देखा। इसका मैं जाता हूँ 14 पे ठीक है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा पाँव ऊपर की तरफ देख रहे हैं यहाँ पे ठीक है। तो ये अगर ऊपर की तरफ गया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को W, इस वाले पार्ट को तो मैंने क्या किया W, ये मैंने ऊपर की तरफ किया यहाँ पे मिक्स। ये तो चीज़ आप ध्यान दोगे ना, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो ये पार्ट मैं ऐसे भी कर सकता हूँ थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा मैनेज करने के लिए ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से और यहाँ पर भी कर रखा है ठीक है। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ कि तो मैं थोड़ा सा पाँव पे भी इम्पैक्ट देखेगा यहाँ पे ओके। कुछ चीज़ों को हम लोग ऐसे मैनेज करके देखते हैं कि भाई मेरे पास यहाँ पे क्या काम आता है। उसके बाद मैं यहाँ पे गया 14 पे, गया 14 पे जाते हैं, 14 पे देखो, 14 पे क्या देख रहे हैं, 14 पे आपका ये पार्ट है, ये जितना ना पहले नीचे वाला पार्ट देखो, ये पहले ज़्यादा था, अभी ये थोड़ा सा कम हुआ, तो इसको मैं थोड़ा सा और कम करूँगा, लिटिल बिट कम कर रहा हूँ यहाँ पे ठीक है। देखा पे ठीक है, ये कर्व को मैं मैनेज कर देंगे यहाँ पे। 14 पे गए तो मेरे पास अभी जो मेरे पास ये पार्ट दिख रहा है, देखो इस लाइन से ऊपर आपका दिखना चाहिए, तो लाइन के ऊपर दिख रहा है आपके यहाँ पे, और एक आर्क में भी दिख रहा है यहाँ पे, आर्क में ऐसे दिख रहा है, अभी ये रोटेशन वाला पार्ट है यहाँ पे देखो। तो पहले तो मैं यहाँ पे इसको तो मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, मैं ये पार्ट पहले क्या था 12 पे कितना था, नीचे था ठीक है। 14 पे गए, 14 में कैसा होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे, टर्न रहेगा ठीक है, टर्न है मेरे पास यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे कितना किया, लाइक 15 कर देते हैं, फिर 15 यहाँ पे बस ऐसे बस जाएगा। इसको मैं यहाँ पे दो, लाइक आपको एक आइडिया मिलने वाला है कि आप यहाँ पे कैसे क्या काम करने वाले हैं ठीक है। 15 यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 15 यहाँ पे कर दिया मैंने ठीक। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी आपके यहाँ पे आने वाला है, इसको थोड़ा सा हम लोग कैसे करने वाले हैं। देखो यहाँ पे कीज़ नहीं है, मेक श्योर देखो यहाँ पे कीज़ नहीं है, तो इससे पहले मेरे पास जितनी भी जगह पे है, जैसे 9 पे मैंने क्या किया, इन सबों पे जैसे इसको सेलेक्ट किया मैंने, अभी देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले काम क्या करता हूँ, जब सबको सेलेक्ट करके, जैसे 9 पे मैंने यहाँ पे क्या किया, एस प्रेस कर दिया, 12 पे आके एस प्रेस कर दिया यहाँ पे, 14 पे आके एस प्रेस कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि अब मैं जब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। देखो देख रहे हैं, ये मैंने थोड़ा सा पीछे किया, हल्का सा कर्व ये आर्क दिखाया यहाँ पे ठीक है। तो मैं हल्का सा इसको पीछे करता हूँ, पीछे करने में वैसे भी कितना है, माइनस लाइक माइनस 12 कर देते हैं ठीक है। ये मैंने यहाँ पे किया, तो इस वाले पार्ट को, ये जो लॉक वाला पार्ट है यहाँ पे, इसको भी थोड़ा समझना है क्या। देखो देखो ये पार्ट आपका ऐसे ऐसे ठीक है, इसके बाद आपका ये पोज है, पोज दिख रहा है आपके यहाँ पे, ये आपका एक पीछे से दिखाया है जो आपके यहाँ पे, ये ऐसे ऊपर की तरफ जाए यहाँ पे ठीक है। अब थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे मैनेज करोगे आपका काम आसान हो जाएगा आपके यहाँ पे ठीक है। इसको वापस गए 16 पे, गए 16 पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या, देखो अपने आप ही ऊपर की तरफ जा ही रहा है ठीक है, मेरे पास ये नीचे है ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे ये वाला पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये मैंने इधर की तरफ किया माइनस अराउंड 40 कर लेते हैं, 40 ठीक है, 40 किया मैंने यहाँ पे। और इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले पार्ट को मैं बैंड कर देता हूँ, लिटिल बिट थोड़ा सा बैंड कर दिया यहाँ पे ठीक है, अराउंड 15 कर दिया। तो नंबर्स में थोड़ा सा ऐसे रखना ताकि मुझे याद रहे ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये ऊपर मैंने कर दिया, सॉरी ये नहीं, ये वाला पार्ट में यहाँ पे आगे इस वाला पार्ट में ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस 40 मेक श्योर थोड़ा सा ध्यान देना पे, ये देखो ये भी बस इतना है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे गया था, इसको मैंने पकड़ा यहाँ पे 15 है, यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ, तो लिटिल बिट आपका थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने वाला आपके यहाँ पे ठीक है। अभी हम लोग देखिए यहाँ पे मैं एक पार्ट और भी मैं करूँगा यहाँ पे, ये चीज़ को थोड़ा सा जो ग्रिड के देखो, ये अप एंड डाउन को थोड़ा सा समझना है क्या, अप एंड डाउन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्या किया, नीचे यहाँ पे ठीक है, कीज किया यहाँ पे, इससे पहले मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा और कर दिया मैंने यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई पोजिशन में बस कैसे यहाँ पे। तो ये छोटे छोटे पार्ट को अगर देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सिंपल सा आपका बेसिक लुक एंड फील आपको देखेगा आपको यहाँ पे, कि आप किस टाइप से एक बेसिक सा एनिमेशन दे सकते हो आप यहाँ पे, कि किस तरह से चीज़ को मैनेज किया मतलब, आपको एक ब्लॉकिंग आपको बहुत बढ़िया सा नजर आएगा किस टाइप से आपने एक बर्ड एनिमेशन दे सकते हैं।
वहाँ का भी देखा आपके साइड में। तो अभी देखो ये हमने देखा, ऑब्जर्व किया, तो मेरे पास चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे की पोजेस देखा आपने, सिर्फ की पोजेस को फॉलो किया, तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि आप की पोजेस अगर फॉलो करते हो तो फॉलो करने में आपको चीज़ें दिखती हैं कि कौन सा पार्ट आपका कहाँ जा रहा है, किस टाइप से जा रहा है, ठीक है, चीज़ों को आप कैसे मैनेज करोगे। जस्ट मैंने आपको ब्लॉकिंग करके आपको दिखा दिया कि मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ देखो यहाँ पर भी आपका अगर देखो चीज़ में बहुत सी है क्या, ये देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास पहला पार्ट कहाँ है, फर्स्ट फ्रेम, ये देखो यहाँ पे विंग्स, यहाँ पे कहाँ पे कैसा आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे, तो मेरे पास हर एक टाइप का पार्ट यहाँ पे देख रहा था। अभी आप यहाँ पे तो से समझो, समझने के लिए जैसे देखो यहाँ पे देखो दो नंबर दिया, दो नंबर पर कहाँ गया, ऊपर पहले नंबर पर ही है, तो कलर दे रखा है ब्लैक पहले नंबर पर। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैनेज करना चाहो तो मैनेज करो आप यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमाइज कर दिया मैंने यहाँ पे, समझना ठीक है। इसमें अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको या इस यहाँ पे दिखाऊँ, तो यहाँ पे मैंने क्या देखेगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पहला नंबर आपका कैसे गया, पहला नंबर आपका कैसा है, तो पहले नंबर पे आपका ये देखा, ठीक है, दूसरे नंबर पे कहाँ गया, दूसरा नंबर मतलब दूसरा पोजिस आपके पास कहाँ गया, दूसरे पोजिस में आप देखोगे तो ब्लू नंबर आपके यहाँ पे, ठीक है, पोजिस यहाँ पे दे रखा है, देखो ब्लू नंबर में आपके कहाँ पे, ठीक है, उसके बाद आप देखो ग्रीन नंबर आपका कहाँ पे, ग्रीन नंबर देखिए अपने आपके कहाँ पे। तो आप इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा मैनेज करोगे पुश डाउन, तो किस टाइप से आपका काम आएगा यहाँ पे देखो यहाँ पे। अगर आप अपोजिट में लेके चलो, अपोजिट में देखो यहाँ पे, देखें अपोजिट में देखो, अपोजिट में मैच करेगा ये पार्ट, फिर यहाँ पे आया, फिर इसका ये आया, फिर इसके बाद ये आया, फिर इसका ये आया, ठीक है। अभी आप यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा चीज़ों को और विंग्स को और बेटर कर सकते हो। नाइन पे है ना हम लोग यहाँ पे, ये देखो ये हमने थोड़ा सा पोजिस को देखा, तो नाइन पे मेरे पोजिस नीचे की तरफ गया है क्या, नीचे की तरफ देखो यहाँ पे ऐसा है, लेकिन यहाँ पे इसने ज़्यादा दिखाया, तो आप ज़्यादा दिखाना चाहो तो दिखा ज़्यादा भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, तो मैं पहले पोजिस थी यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं चाहूँ तो थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा रोटेशन देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, रोटेशन कितना देना था देखें यहाँ पे मैनेज करना है, मैं एक बार मैनेज करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 15 कर दिया, और देखो 15 के यहाँ पे, ठीक है 15 16 ये आपके पास यहाँ देखा, ठीक है 30 करके देखते हैं एक बार आपका यहाँ पे भी देखिएगा यहाँ पे, ठीक है आपने यहाँ पे क्या किया, ये 30 करके देखा तो आप यहाँ पे अभी देखो तो यहाँ पे ठीक है, आपको उतने ज़्यादा वो मिलेंगे कि आप ऐसे भी काम करो तो आपका ऐसे चीज भी मैनेज होगा, कि आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो तो आपका यहाँ पे चीज़ देखेंगे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को कैसे मैनेज किया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ करूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पार्ट देखो कर्व आपका मैनेज होना चाहिए, ये आपका देखो कैसे जा रहा है, ये आपका इधर रोटेशन पर लॉक कर रखा है, तो ये पार्ट आप देखो यहाँ पे, ठीक है अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ क्या कि अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टर्न किया, टर्न मैंने यहाँ पे करता है -45 कर दिया यहाँ पे, ठीक है वैसे तो हम आपस ये खुलता है देखो यहाँ पे, ये ऐसा अच्छा लगेगा नहीं, ठीक है छोड़ दो उसे इतने पे रहने दो, ठीक है तब ये लुक वाइज देखोगे आपका जब उड़ेगा तो उसके विंग्स हो अंदर नहीं जाने वाले, तभी आप क्रॉस चेक करके देखो आप यहाँ पे, अभी आप ग्राफ क्लीन करोगे तो आपका ये काम आसान हो जाएगा क्या, कि किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो।